नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कूलेंट रिजर्वॉयर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, और ये जो जानकारी है काफ़ी दोस्तों को काम आने वाली है। कूलेंट रिजर्वॉयर होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इसमें कूलेंट भरा होता है और कूलेंट का लेवल भी इसमें शो होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए फुल लिखा हुआ है और नीचे एक लाइन बनी हुई है, देखिए यहाँ पर लो लिखा हुआ है। तो इसमें जो कूलेंट होता है उससे हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी के रेडिएटर में कितना कूलेंट है, और इसके अंदर जो कूलेंट होता है दोस्तों वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो मेन जो टॉपिक है दोस्तों वीडियो को बनाने का वो यही है कि इसमें कूलेंट कम ज़्यादा कैसे होता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो रेडिएटर कैप जो होती है उससे जुड़ा हुआ एक पाइप होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से जो एक पाइप जा रहा है जो कि नीचे जुड़ा हुआ है, इसी से देखिए ये जुड़ा हुआ है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है दोस्तों, जो कैप होता है इससे जुड़ा होता है, ठीक है, और नीचे तक जाता है अंदर पाइप। तो इसमें कूलेंट कम ज़्यादा क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब हमारी गाड़ी का इंजन गर्म होता है 80 से 90 डिग्री पर जब टेम्परेचर पहुँचता है, तो यहाँ पर जो है एक थर्मोस्टेट वॉल्व होता है, वो इंजन में जो कूलेंट है उसको सर्कुलेट करने के लिए रास्ता खोल देता है, ठीक है। और वहाँ से जब कूलेंट होता हुआ गर्म कूलेंट रेडिएटर में आता है, तो गर्म होने की वजह से दोस्तों कुछ कूलेंट बाष्प के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी इंजन गर्म हो तब आप जो है रेडिएटर कैप मत खोलिए, क्योंकि जैसे ही आप रेडिएटर कैप खोलोगे तो गर्म कूलेंट एकदम बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो आप जल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक वॉल्व लगा होता है जो गर्म कूलेंट होता है जो बाष्प के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो आ जाता है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको खोल के, ये जो कैप है आप देखेंगे तो ये जो पाइप है, देखिए यहाँ से कूलेंट इसके अंदर एंटर होता है। अभी कूलेंट ऊपर तक भरा हुआ है तो आपको यहाँ पर होल नहीं दिख रहा होगा, और ये इसका जो है कैप है। कैप में दोस्तों एक वॉल्व होता है जो कि स्प्रिंग मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। तो ये जो वॉल्व है, देखिए मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, इस तरह से दबता है। तो जब कूलेंट गर्म हो जाता है 80 से 90 डिग्री के ऊपर जब भी टेम्परेचर जाता है, तो ये जो वॉल्व है वो दब जाता है अंदर की तरफ, और कूलेंट को रेडिएटर, माफ़ कीजिएगा, जो कूलेंट रिजर्वॉयर है, ये जो कंटेनर है इसमें इस पाइप से जाने देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। देखिए यहाँ पर एक होल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, ये जो होल है इसमें से जो है ये अंदर जाने लग जाता है, इसमें पहुँचने लग जाता है जब ये ऊपर की तरफ इस तरह से दब जाता है, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ, और जब मैं आपको बता दूँ कि जब इसमें कूलेंट ओवर हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, ये बाहर भी आने लग जाता है। तो उसका रीज़न होता है थर्मोस्टेट वाल्व का ख़राब होना, या ये जो कैप देख रहे हैं इसका ख़राब हो जाना, और भी रीज़न हो सकते हैं। तो जब कूलेंट कम होता है रेडिएटर में तो ये इसमें से वापस भी ले लेता है, ऐसा नहीं है कि इसको भेजता ही रहता है, तो वापस भी लेता है ये। और जैसा कि मैंने बताया, बाष्प के रूप में जब कूलेंट उड़ता है, निकलने की कोशिश करता है, तब इसमें आ जाता है। तो यही इसका काम होता है, और कूलेंट का जो लेवल है वो भी हमें यहाँ से शो होता है। तो ये जानकारी थी दोस्तों कूलेंट रिजर्वॉयर के बारे में। ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं इसका क्या काम है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।